की तपोभूमिका मान मिला इस नगरी को, नासिक ही वो नगरी है जहां गोदा कहते गंगा को, गोदा कहते गंगा को। तपोभूमि का मान मिला इस नगरी को, नासिक ही वो नगरी है जहाँ गोदा कहते गंगा को, गोदा कहते गंगा को। हर हर गंगे जय हो गोदा मैया, हर हर गंगे जय हो गोदा मैया। पंचवटी घाट के अति प्राचीन मंदिरों में से एक और मंदिर यानी गंगा गोदावरी मंदिर, जो इस जगह का महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। सिंहस्थ गोदावरी मंदिर का वैशिष्ट्य है कि ये मंदिर 12 साल में एक ही बार दर्शन के लिए खुला रहता है। भूमि ये प्रभु राम की, वैसे शिव मल्हारी की, इसीलिए यह स्थापना हुई पग पग पर शिव मंदिर की। नारो शंकर कपालेश्वर नीलकंठेश्वर एक यहाँ, नंदी को जहाँ गुरु मानते ऐसे भी महादेव यहाँ। जिसके पावन पवित्र जल से पाप मुक्त हुए शंभु शिवा, गोदा की वो निर्मल धारा नासिक से बहती भैया, नासिक से बहती भैया। हर हर गंगे जय हो गोदा मैया, हर हर गंगे जय हो गोदा मैया। का मुक्ति मार्ग यही पाया, माँ गोदा ने अपने जल से सबको मोक्ष दिलाया, सबको मोक्ष दिलाया। हर हर गंगे जय हो गोदा मैया, हर हर गंगे जय हो गोदा मैया। जगा वो जहाँ राम की कुटिया हुआ करती थी, राम लखन और सीता देव की परम छवि यहाँ बसती थी। काले रूप में प्रभु राम ने असुरों को यह दंड दिया, सत्य युग में इसी क्षेत्र को दंड करण से जाना गया।
इसीलिए प्रभु रामचंद्र को काला राम कहते हैं यहाँ। जिसके तट पर ये तीर्थ है वही है गोदा मैया, वही है गोदा मैया। वृक्ष की छाया में माँ सीता देवी की है गुफा, यही स्थल है जहाँ रावण द्वारा सीता माँ का हरण हुआ। छल के कारण यही से बिछड़ी रामचंद्र से उनकी प्रिया, सच देखो तो यही से वाल्मीकि रामायण ने मोड़ लिया, रामायण ने मोड़ लिया। हर हर गंगे जय हो गोदा मैया, हर हर गंगे जय हो गोदा मैया। श्री लक्ष्मण जी ने रावण की बहन शूर्पणखा का नाक भी इसी जगह काटा था, इसी कारण इस क्षेत्र को नासिक कहा जाता है। इस जगह प्रभु रामचंद्र जी का अति प्राचीन मंदिर है, जहां पर प्रभु राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया के दर्शन कर सकते हैं। जिस जगह पर शेष अवतार लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी, आज उसी जगह पर लक्ष्मण जी का भी मंदिर है। प्रभु राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी तथा कपिल मुनि के चरण अष्ट तीर्थ के इस संगम को कहते हैं जी यहाँ तपोवन। शूर्पणखा के लक्ष्मण द्वारा यही हुआ नासिका छेदन। और तपस्वी कपिल मुनि का यही पितो था सिद्धाश्रम। राम लखन और सीता देवी के चरण स्पर्श से ये स्थल पावन। माँ सीता का मूल रूप यहाँ अग्नि कुंड में समाया, शिव शंकर के प्रभु राम ने यही पे की थी तपस्या, यही पे की थी तपस्या। हर हर गंगे जय हो गोदा मैया, जय हो गोदा मैया।
स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच।